हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो शाहरुख खान के फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ है। जीरो चाइना रिलीज को लेकर एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। तो क्या है न्यूज़, इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो जो जो शाहरुख खान के फैंस है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड के टॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और शाहरुख खान से जुड़ी न्यूज़ आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जीरो तो इंडिया में उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाया, क्रिटिक्स के खराब रिव्यू की वजह से वर्ड ऑफ माउथ उतना अच्छा नहीं रहा, इसीलिए इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाया। पर इसके अलावा जीरो ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, जैसे अवार्ड शो में अवार्ड जीते अपने बीएफएक्स के लिए, कटरीना कैफ ने अवार्ड जीता और गूगल पे पे सबसे ज्यादा बिकने वाला दूसरा फिल्म बन गया 4.2 रेटिंग के साथ। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ दिन पहले बताया कि बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान का फिल्म जीरो वहां पर दिखाया जाएगा, लास्ट में दिखाया जाएगा। और उसके साथ और एक इंडिया फिल्म में सत्यजीत राय की फिल्म कुछ एक और भी फिल्म दिखाया जाएगा वहां पर। तो फ्रेंड्स ऐसा बात चल रहा है, जो मीडिया में खबर है, जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि बीजिंग में फिल्म मतलब बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाने के बाद अगर वहां पर ऑडियंस को पसंद आए तो यह फिल्म चाइना में ग्रैंड तरीके से रिलीज किया जा सकता है। अगर वहां पर पसंद आए लोगों को तो यहां पर मतलब जीरो चाइना में रिलीज हो सकता है, यह न्यूज निकल के सामने आ रहा है। शाहरुख खान खुद जाएंगे बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, मतलब वहां पर जीरो को दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, मैं चाहता हूँ जीरो चाइना में रिलीज हो, अच्छी फिल्म है, अच्छा कलेक्शन करेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।